बैक टू गोल्डन किचन। सो गाइस आज होने वाला है बहुत ही अमेजिंग सा कंपटीशन, वो है मैंगो कंपटीशन, क्योंकि समर चल रहा है, बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड है मैंगो खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कंपटीशन रखा जाए और जो बच्चा जितनी जल्दी 5 मिनट में मैंगो खाएगा उसे मिलेगा एक छोटी सी कार और 100 रुपीज का प्राइस। 5 बच्चे बैठे हुए हैं और मैं इनके सामने रख देती हूँ प्लेट, इसमें आपको छिलका रखना है। तो गाइस प्लेट मैंने बच्चों के प्लेस पे रख दिया है ताकि वो इसमें छिलका रखे। टाइमर भी यहाँ पे 5 मिनट का लगा दिया है और आप बाहर देख सकते हैं बहुत ज्यादा तेज आंधी आ रही है। सो गाइस इस आंधी को ध्यान में रखते हुए गेट हमने बंद करके रखा है ताकि बच्चों को बिल्कुल भी हवा ना लगे। और अब हम इस कॉम्पिटिशन की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए बच्चे शुरू किया जाए, ठीक है? तो यहाँ पर टाइमर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 5 मिनट का। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 5 से 6 किलो के करीब आम रखे गए हैं और यहाँ पर बैठे हैं कुछ सामने छोटे छोटे बच्चे, कंपटीशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो आप लोग एक्साइटेड हैं कंपटीशन के लिए? अरे बच्चे रेडी है कंपटीशन के लिए। और अब होगा मैंगो कंपटीशन, इन्हें टाइम दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का और 5 मिनट में देखते हैं एक बच्चा कितना आम खाता है और जो बच्चा जीतेगा उसको गोल्डन किचन की तरफ से मिलेगा एक एक्साइटिंग गिफ्ट और 100 रुपीज। और जोर से, और जोर से। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करो। 5 मिनट के टाइम में आप देख सकते हैं 6 किलो आम रखा है बच्चों के सामने, 5 बच्चे हैं, 6 किलो आम है और देखते हैं एक बच्चा कितना आम खाता है। तो आपका टाइम शुरू होता है, एक मिनट, अब स्टार्ट करो, फटाफट से आम उठाओ और खाओ। चलो, पास पास, एक एक, चलो फटाफट ईट करो, फास्ट, अच्छे से खाना है, फास्ट। तो यहाँ पे चेयर करने के लिए 2 लेडीज बैठी हुई है, तो अपना भी मुखड़ा दिखाइए। हेलो बोलिए, यहाँ पे मैंगो कंपटीशन हो रहा है बच्चों के लिए, बताओ कितने आम खाओगे? 5 आम खाएंगे। आपका आपके पास समय बहुत कम बचा है, जो बच्चा जितनी जल्दी आम खाएगा। अच्छे से अनमोल प्रॉपरली ईट करना है वरना इंक्लूड नहीं होगा। हनी हनी करके फर्स्ट पे चल रहा है, कम ऑन, रुको पीछे रह गए, जल्दी करिए। ये देखिए गाइस 3 मिनट ऑलमोस्ट पूरे होने वाले हैं, 2.5 मिनट हो चुके हैं, 2.5 मिनट बचे हैं। कैसा लग रहा है आम खाके? आपको कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? आपको कैसा लग रहा है? सो अब सिर्फ और सिर्फ 1.5 मिनट का टाइम है, 1.5 मिनट में देखते हैं, 1.5 मिनट में देखते हैं बच्चे आम फिनिश कर पाते हैं या नहीं। सो बच्चे, सो बच्चे लोग जल्दी करो, टाइम आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बचने वाला है, 1 मिनट 15 सेकेंड। देख बच्चे हैं अपने मन पसंद का आम नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। जो खा रहे हैं। 5 मिनट का वक्त पूरा हो चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक एक बच्चे की तरफ से। तो हम स्टार्ट करते हैं चंचल की तरफ से, देखते हैं उन्होंने कितने आम को खाया है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छिलका दिख रहा है, एक आम उन्होंने खाया है, तो इन्होंने पूरे दो आम खाए हैं और दूसरा चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विनायक ने कंपटीशन फिनिश होने के बाद एक आम को रखा है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा और दो आम इन्होंने फिनिश किया, बट अभी भी इसमें काफी ज्यादा जो गूदा है वो लगा हुआ है। यहाँ पे आयांश को देख सकते हैं, इन्होंने लिया तो पांच आम है लेकिन खाया इसमें सिर्फ दो है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इसमें गूदा लगा है फर्स्ट ईट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सनी है, इन्होंने तीन मैंगो को फिनिश किया, वो भी प्रॉपरली फिनिश किया है, तो वेरी गुड सनी। और यहाँ पर अनमोल है, अनमोल को आप देख सकते हैं इन्होंने चार आम लगभग खाए हैं और ये वाला इन्होंने एंड में फिनिश किया था, तो अभी भी ईट कर रहे हैं, बट इन्होंने मैंगो को आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से क्लीन भी किया है जैसे कि सनी ने किया है। फाइनली हम विनर को अनाउंस करते हैं, सनी और अनमोल दोनों टाई है, इसलिए क्योंकि अनमोल ने चार मैंगो फिनिश किया था और सनी ने तीन मैंगो फिनिश किया था, लेकिन जो सनी ने तीन मैंगो फिनिश किया था वो एकदम क्लीन था, प्रॉपर था। अनमोल ने चार किया था बट थोड़ा सा एंड में उसने खा रहा था, तो हम यहाँ पे विनर अनाउंस करेंगे। अनमोल और सनी दोनों ही विनर है, तो हम यहाँ पे कार और पैसा है दोनों को डिवाइड करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे दो विनर बैठे हुए हैं जिनका टाई था मैंगो फिनिश किया था, तो अनमोल ने टोटल चार मैंगो फिनिश किया था, जो लास्ट वाला मैंगो उसने फिनिश किया था वो टाइम आउट होने के बाद किया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ तीन मैंगो को इंक्लूड करूंगी और सनी ने भी पूरे तीन मैंगो को फिनिश किया था। तो प्राइस का जो विनर है सनी और अनमोल है। अनमोल थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि इसके दांत टूटे हैं, चलिए मैं वो भी दिखा देती हूँ, करो देखो इसके दांत टूटे हैं, खिड़की खुली हुई है इसलिए थोड़ा खिड़की खुलने की वजह से आम लेट से गया, कोई बात नहीं, हमने इंजॉय किया, मजा है ना। चलिए तो अब हम देते हैं प्राइस, तो यहाँ पर मेरे पास छोटी सी कार टॉय है और 100 रुपीज, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो विनर होगा उसे ये दोनों प्राइस मिलेगा, बट यहाँ पे टाय है तो सनी को पैसे दिए जाएंगे और अनमोल को कार दी जाएगी। तो चलिए अनमोल और सनी आइए, पे जो 100 रुपीज के विजेता है वो है सनी। क्लैप करो। हाँ, और बाकी ये छोटी वाली कार टॉय जाएगी अनमोल के पास। क्लैप। तो जीतने के बाद आप लोगों को कैसा लग रहा है, माइक में बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है, हम जीत गए। और आपको हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम इसलिए जीत गए हैं क्योंकि हमने बहुत सारा आम मिले थे। अच्छा, तो ये दोनों ने बहुत सारा आम खाया है इसलिए इनको बहुत खुशी हो रहा है। और ये बताना चाहते हैं अपने बारे में जरा, वो भी सुन लीजिए आप लोग। मैं दिल्ली से आया हूँ, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर शहर से। मेरा नाम है सनी। और अनमोल आप कहाँ से आए हो? मैं हूँ मुंबई से। तो यहाँ पे दिल्ली और मुंबई का कंपटीशन था लेकिन दोनों टाई है तो दोनों ही जीत चुके हैं। दिल्ली मुंबई ये पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और गाइस अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गोल्डी किचन। बाय बाय।